हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फाइजर के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है और बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। क्या ये खबर है, डिटेल में दोस्तों आपको मैं समझाने वाला हूँ। साथ ही हम बात करेंगे इस खबर के बाद स्टॉक प्राइस में क्या मूवमेंट रह सकता है, टेक्निकल चार्ट पे बात करेंगे। अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या फ्रेश बाइंग लेवल होंगे और क्या इसके एक्सपेक्टेड टारगेट हो सकते हैं, इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये अपडेटेड न्यूज़ है आज ही की, 10th of June आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। तो न्यूज़ क्या है, इंडिया क्लोज टू गिविंग इंडेमनिटी टू फॉरेन वैक्सीन मेकर्स लाइक फाइजर। तो एज पर दी सोर्सेज यहाँ पर दोस्तों, गवर्नमेंट जो है इंडेमनिटी दे सकती है फॉरेन वैक्सीन मेकर्स को, लाइक फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन। तो इंडेमनिटी यहाँ पर आपको मिलती हुई देखने को मिल सकती है इन फॉरेन वैक्सीन मेकर्स में। इंडेमनिटी क्या होता है, देखिए इंडेमनिटी मतलब कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी डैमेज और लॉस। अगर मान लीजिए कोई भी एडवर्स इफेक्ट होता है प्रोडक्ट का, तो उस केस में गवर्नमेंट यहाँ पर उनको कंपनसेशन प्रोवाइड कराएगी। तो ये है दोस्तों, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अगर यहाँ पर ये इंडेमनिटी मिल गई तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा हमको मूवमेंट देखने को मिल सकता है शेयर में। तो आप देखिए दोस्तों, इंडिया इन्वाइटेड फाइजर, मॉडर्ना एंड जॉनसन इन अप्रैल टू सेल देयर COVID-19 वैक्सीन आफ्टर इन्फेक्शन रॉकेटेड। हाउएवर नो डील हैज बीन साइंड सो फार। अभी तक कोई डील साइन नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एज पर सोर्सेज मिल सकती है इनको इंडेमनिटी। अभी यहाँ और पढ़ते हैं, चलिए। तो देखिए, इंडिया इज क्लोज टू एग्रीइंग टू ग्रांट फॉरेन कोरोना वायरस वैक्सीन मेकर्स सच एज फाइजर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लीगल लाइबिलिटी, सो दैट इट कैन यूज देयर शॉट्स इन एन इम्यूनाइजेशन कैंपेन दैट इज फेसिंग अक्यूट शॉर्टेजेस, थ्री गवर्नमेंट सोर्सेज इन्फॉर्म न्यूज एजेंसी रूटर्स। तो यहाँ पर तीन गवर्नमेंट एजेंसी ने दोस्तों यहाँ पर इन्फॉर्म किया है इंडेमनिटी विल बी ग्रांटेड। तो आप समझ के चलिए दोस्तों, यहाँ पर इंडेमनिटी डेफिनेटली हमको मिलती हुई देखने को मिल सकती है और फाइजर के स्टॉक में हमको तेजी आते हुए देखने को मिल सकती है। देखिए, मीनवाइल यहाँ पर जो है सीरम इंस्टीट्यूट दोस्तों, अब ये भी यहाँ पर जो है दे आर आस्किंग फॉर द इंडेमनिटी एज वेल, क्योंकि अभी तक डोमेस्टिक वैक्सीन मेकर्स को भी दोस्तों इंडेमनिटी नहीं दी है। मतलब कि दे आर नॉट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन फॉर देयर डैमेजेस और लॉस, मतलब कुछ भी अगर एडवर्स इंपैक्ट होते हैं तो। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इंडेमनिटी मिलती है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है शेयर प्राइस में। चलिए चार्ट पे चलते हैं, न्यूज़ तो हमने देख ली। तो देखिए दोस्तों, आप देखेंगे पिछले 2-3 दिनों से हमको शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। देखिए 4% की तेजी, और आज भी देखेंगे तो करीब 3% के आसपास तेजी। तो यहाँ पर चार्ट भी आप देखेंगे दोस्तों, काफ़ी पॉजिटिव चार्ट लग रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा इसका स्ट्रक्चर लग रहा है। देखिए, ये टाइम पे जब वैक्सीन के बारे में यहाँ पर बात चल रही थी, उस टाइम फाइजर यहाँ पर लाने वाला है वैक्सीन, यहाँ पर डेवलप कर ली है और उसकी जो है एफिकेसी रेट 95% की है। तो उस टाइम का ये दौर है जब ये फाइजर का शेयर आपने देखिए, यहाँ पर जो मैनेजमेंट ने, जो प्रमोटर्स ने अपना माल बेचा था, आपको ध्यान होगा 20% का अपर सर्किट लगा था। उसके बाद कंसोलिडेशन जोन में आया, फिर यहाँ पर हमको गिरता हुआ देखने को मिला। क्योंकि अप्रैल के आसपास आप देखेंगे, ये जो समय है फेब के आसपास, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हुई। फिर आप देखेंगे अप्रैल में जब जैसी न्यूज़ आई कि भैया इनवाइट कर रही है गवर्नमेंट, तो यहाँ से हमको फिर तेज होता हुआ देखने को मिला। फिर डील साइन नहीं हुई तो फिर कंसोलिडेशन में जाता हुआ देखने को मिला। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर दोस्तों ये साइन हो जाती है, ये गवर्नमेंट यहाँ पर अप्रूव कर देती है इंडेमनिटी, तो हमको तेजी देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं इसके ऑलरेडी आपको हिंट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अपने ऑल टाइम हाई, मतलब कि हाईस के आसपास पहुंच चुकी है। हालांकि ऑल टाइम हाई ये है इसका, लेकिन जो है मेजर रेजिस्टेंस है इसका ये वाला, आप देखिए, थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखिए, ये है जो इसका मेजर रेजिस्टेंस, इस जगह पर रेजिस्टेंस लेके बार बार शेयर नीचे आया। देखिए, फिर से यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया। फिर देखिए कितनी बार रेजिस्टेंस लिया, डेली चार्ट पे आपको ये बता रहा हूँ, कितनी बार रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया। और आज आप देखेंगे तो ब्रेकआउट दिया है एक मेजर रेजिस्टेंस का अपने। और अब दोस्तों यहाँ पर जो न्यूज़ है उसके बाद पॉजिटिविटी आती हुई देखने को मिल सकती है। अब नीचे वॉल्यूम देखें दोस्तों, इस एरिया में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था, अब देखिए यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम हमको देखने को मिल रहा है। मतलब कि बाइंग हो रही है दोस्तों इसमें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रांग हैंड्स, स्मार्ट मनी बाइंग कर रहे हैं फाइजर जैसे शेयर में। हालांकि देखिए, फाइजर में ज़रूर यहाँ पर दोस्तों कुछ दिक्कतों का सामना इसको करना पड़ा था। हालांकि हमने न्यूज़ में भी देखा था कि फाइजर की कुछ वैक्सीन जो है फेल हो रही हैं, अपने मतलब वैक्सीन जो है कुछ फेल हो गई हैं कई कंट्रीज़ में, उसकी वजह से आपने देखा इसमें प्रेशर भी आया। ठीक है, फिर अब देखिए फाइजर की वैक्सीन अब जाके थोड़ा सा, मतलब WHO भी दोस्तों यहाँ पर बात की गई कि फाइजर की वैक्सीन के लिए इंडेमनिटी प्रोवाइड की जाए या नहीं, तो वहाँ पर भी दोस्तों पॉजिटिव संकेत हैं। ठीक है, आप देखिए कनाडा की बात हो गई, US की बात हो गई, हर जगह फाइजर की वैक्सीन लग रही है एंड जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छे हैं। तो पॉसिबिलिटी यही है कि वैक्सीन को इंडेमनिटी मिल जाएगी और जो शॉर्टेज है हमारी अभी इंडिया में वो यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आएगी अगर यहाँ पर जो है
वैक्सीन आई फॉरेन वैक्सीन मेकर्स की। तो अगर इंडेमनिटी मिलती है दोस्तों हमको ये तेज होता हुआ देखने को मिलेगा, और ऑलरेडी अपने ब्रेकआउट दे चुका है ये एक मेजर रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजर रेजिस्टेंस इसका ब्रेकआउट दे चुका है। तो अब इसका यहाँ से फ्रेश बाइंग लेवल मेरे ख्याल से दोस्तों ये करंट मार्केट प्राइस पे, जी हाँ दोस्तों करंट मार्केट प्राइस पे ये बाय है। हालांकि मैं आपको बिल्कुल निचले स्तरों से यहाँ से मैं आपको रिकमेंड कर रहा था इस शेयर को एक्यूमुलेट करने की। वैसे दोस्तों मैंने आपको ये शेयर आई थिंक करीब हमारी फ्यूचर मल्टीबैगर प्लेलिस्ट सीरीज का भी ये पार्ट है, करीब 4000 के लेवल से मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर से दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि फाइजर जैसी कंपनी मतलब वर्ल्ड की आई थिंक दोस्तों ये नंबर वन कंपनी है फार्मास्यूटिकल की, वर्ल्ड की नंबर वन या नंबर टू, तो इतनी बड़ी जायंट है दोस्तों। यहाँ पर ये कुछ जो टेम्प्रेरी हिट थे इसके लिए ये कोई दिक्कत की बात नहीं, ये एक मौका था यहाँ पर बाइंग करने का। लेकिन अभी भी दोस्तों फाइजर नंबर वन फार्मा कंपनी है वर्ल्ड की, और इसका जो पोटेंशियल है बहुत तगड़ा है, ग्लोबल इनोवेटर है, नंबर वन इनोवेटर है, बहुत बड़ी जायंट है। आरएनडी की बात कर लो चाहे आप, चाहे किसी भी सेगमेंट की बात कर लो, बहुत बहुत तगड़ी कंपनी है फाइजर दोस्तों। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। हालांकि देखिए और भी कंपनीज हैं अच्छी अच्छी हैं, ऐसे बात नहीं है, डिवीज़ है, डॉक्टर रेड्डी है, ठीक है, एपीआईज में देखिए कितनी कंपनीज हैं, डिवीज़ सबसे ऊपर है, यहाँ पर फाइजर है और आप देखिए यहाँ पर एबट है और सनोफी है, बड़ी बड़ी जो है एमएनसीज हैं उसमें फाइजर का नाम दोस्तों टॉप में आता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से करंट मार्केट प्राइस पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। टारगेट इसका मेरे ख्याल से दोस्तों करीब करीब आपको ये जाता हुआ देखने को मिलेगा, यहां से करीब करीब 20% एटलीस्ट 20% मेरे टारगेट है दोस्तों इसमें, क्योंकि इसमें मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। आपको पता है दोस्तों अगर आप हमको फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा मैं इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। मैं इसमें टारगेट कर ले रहा हूँ 20% का एटलीस्ट आने वाले एक से डेढ़ साल के अंदर अंदर मुझे लग रहा है कि ये आराम से 20% रिटर्न दे सकता है। क्योंकि देखिए अब पॉजिटिविटी आ रही है, वैक्सीन यहाँ पर ड्राइव तेजी से चल रही है, और इंडेमनिटी मिलने के बाद इंडिया की पूरी पॉपुलेशन को दोस्तों यहाँ पर ही केटर करने वाले हैं। और जो इनका फॉरेन का बिजनेस है, इंडिया जो इंडिया फाइजर लिमिटेड की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर इसके प्रोडक्ट हैं फाइजर के, और ग्लोबल लेवल पर बात करें तो वो जायंट तो है ही है। तो इस हिसाब से देखें तो दोस्तों यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ मनी मेरे को नज़र आती है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो अभी इसमें बेहतर मुझे नज़र आ रहा है, और भी बहुत चीज़ें हैं फाइजर से जुड़ी हुई, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा वेल नोन प्रोडक्ट्स हैं, और जो गवर्नमेंट का इसको सपोर्ट भी रहता है दोस्तों फाइजर को, पहले से भी इसका सपोर्ट है गवर्नमेंट का इसके साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर इसमें इसको कंसिडर करनी चाहिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो। हालांकि मैंने ज़्यादा डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी, एक बार आप भी दोस्तों अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, थोड़ी और डिटेल निकालिए फाइजर के बारे में, और फिर आपके पास और कन्विक्शन आएगा। ये मेरा कन्विक्शन है दोस्तों, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप CMP पे भी इसको बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो ये है दोस्तों छोटा सा एनालिसिस, आई होप ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको। अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर स्टिल आपके कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।